उत्तर प्रदेश की सियासत में जबानी जंग तेज हो गई है, वार पलटवार और अब पोस्टर वार शुरू हो गई है। हम इस समय विक्रमादित्य मार्ग पर मौजूद हैं, यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कार्यालय है। कार्यालय के बाहर अगर आप देखें तो एक पोस्टर लगाया गया है और उस पर लिखा है, न बटेंगे न कटेंगे, 2027 में नफरत करने वाले हटेंगे। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से बीते कुछ वक्त पहले एक बयान आया था कि न बटेंगे न कटेंगे, तो उस पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी की ओर से एक होर्डिंग, एक बैनर लगाया गया है इसी विक्रमादित्य मार्ग पर, जहां पर सपा मुखिया अखिलेश यादव का आवास है और समाजवादी पार्टी का प्रदेश कार्यालय है। महत्वपूर्ण जगह है विक्रमादित्य मार्ग। और यहां पर ये जो आप बैनर देख पा रहे हैं, रंजीत सिंह हैं, युवा नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उनके द्वारा ये होर्डिंग लगाई गई है, ना बटेंगे ना कटेंगे, 2027 में नफरत करने वाले हटेंगे। यानी अपने इस बैनर के जरिए सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर पलटवार किया है। इसी के बाद अगर आप नीचे की लाइन देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, अखिलेश यादव जिंदाबाद, पीडीए जिंदाबाद। पीडीए की भी बात कही गई है, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। इससे पहले समाजवादी पार्टी के महासचिव पूर्व मंत्री शिवपाल यादव ने भी इस तरीके का बयान दिया है कि पीडीए ना तो बटेगा ना ही कटेगा और ऐसी बात करने वाला पिटेगा। यानी शिवपाल के बयान के बाद समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ताओं में एक जोश आया और ये बैनर और ये होर्डिंग, ये फ्लैक्स लगा दिया गया है, जो साफ तौर पर दर्शा रहा है कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर जो होने वाला उपचुनाव है उसमें भले ही अभी थोड़ा सा समय हो, लेकिन जो दोनों सियासी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं आमने सामने पोस्टर वार के जरिए आ गई हैं। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ला के साथ लखनऊ से उत्तर प्रदेश टाइम्स के लिए अरसलान समदी। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।